इस वीडियो में हम 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो के पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था माल्टा देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट अबेला। माल्टा देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला बने हैं। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुरली नटराजन। मुरली नटराजन डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, मुख्यालय महाराष्ट्र में है। पिछले बैंक के एमडी एंड सीईओ करंट अफेयर्स रिवीजन, केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर बने हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश बने हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी बने हैं। भारतीय औद्योगिक विकास के एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा बने हैं। आरबीएल के एमडी एंड सीईओ राजीव आहूजा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलेक्जेंडर वूसिक। एलेक्जेंडर वूसिक दूसरी बार सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। सर्बिया के बारे में जानकारी, सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया की करेंसी सर्बियाई दिनार है। सर्बिया के प्रधानमंत्री एना बर्नाबिक हैं। सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वूसिक हैं। पिछले टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिविजन, फ्रैंक वाटर स्टीनमेयर जर्मनी देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। निकारगुआ के नए राष्ट्रपति जेस डेनियल ओर्टा बने हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव बने हैं। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बुरहानुद्दीन बने हैं। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्पो बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलो 2022 का आयोजन हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलो 2022 का नवा संस्करण विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलो में आयोजित हुआ है। यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच विशेष कौशल और तकनीक को साझा करने के अलावा संयुक्त प्रशिक्षण और मौजूदा रिश्ते को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव। केंद्र सरकार ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है। इसमें अश्विनी वैष्णव समिति के अध्यक्ष बनेंगे और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम देश के सेमीकंडक्टर को मजबूत करने और विनिर्माण परिस्थिति तंत्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गठित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमर मिश्रा। वयोवृद्ध बंगाली लेखक और प्रसिद्ध साहित्यकार अमर मिश्रा ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। इनको ये पुरस्कार एक शॉर्ट फिल्म फिक्शन स्टोरी गियोबियोरो के लिए प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 1919 में प्रख्यात लेखक विलियम सिडनी पॉर्टर की स्मृति में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार लघु कथाओं और अनुवादित रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलोन मास्क। एलोन मास्क टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक फोर्ब्स की सूची में पहली बार 219 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। फोर्ब्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची का संकलन करती है। वही भारत के मुकेश अंबानी
90.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ वैश्विक सूची में 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में चिथिराई उत्सव शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। 13 दिवसीय वार्षिक चिथिराई उत्सव तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है। इसे प्रसिद्ध श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर की चिथिराई ब्रह्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह में तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राम दशरथ मिश्रा को के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह में तो यहाँ हूँ के लिए 31वें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 1991 में सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अश्विनी श्रीवास्तव। डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नामक पुस्तक के लेखक अश्विनी श्रीवास्तव है। पिछली टॉप पुस्तक का रिवीजन द ब्लू बुक अ राइटर जुरल नामक पुस्तक को अमिताभ कुमार ने लिखा है। द ग्रेट टीच गेम शिपिंग जियोपॉलिटिकल एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन पुस्तक को अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तप नामक पुस्तक को विकास कुमार झा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई अन्य संगठनों के साथ 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ के लिए जागरूक करना है। चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना किसने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी पर और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर मनोज सैनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर मनोज सैनी प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसका फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सैनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हरीश मेहता द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के अवसर नामक योजना किसने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय विमान पतन प्राधिकरण ने महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहन करने और इन्हें
उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर ये नामक योजना को शुरू किया है। अवसर का फुल फॉर्म एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस फॉर ऑफ द रीजन। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अवसर योजना के माध्यम से स्थानीय कारीगरों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह को एक एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अग्निपथ भर्ती प्रवेश। केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं को 3 से 5 साल की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना की शुरुआत की है। इसमें 3 सेनाओं के लिए युवाओं की भर्ती 3 से 5 साल के लिए ही की जाएगी। नियुक्ति पाने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इसके माध्यम से चयनित उम्मीदवार को आतंकवादी विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी जुटाने और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम्बर ब्रेकेन। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन ने कामलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। वार्षिक वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा आयोजित वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड का हिस्सा है। यह पुरस्कार फोटोग्राफर को दृश्य पत्रिका के पिछले वर्ष में योगदान देने वाली सर्वश्रेष्ठ एकल एक्सपोजर तस्वीर के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट सचिव करेंगे। यह टास्क फोर्स 90 दिनों के भीतर अपनी पहली कार्य योजना तैयार करेगी। AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का मुख्य कार्य नेशनल AVGC पॉलिसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर इसमें फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, जिससे कि इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सके। वर्तमान समय में अनुराग से ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रमुख मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गावफेन 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने जियुवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च मार्च 4C रॉकेट पर एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गावफेन 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह उपग्रह चीन को अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में मदद करने के लिए छवियों को कैप्चर करेगा। चीन के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मेकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। चीन देश की सीमा से सबसे ज्यादा लगती सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 अप्रैल। वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिन सैमुअल हेनरी की जयंती के अवसर में मनाया जाता है। छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एलुमनाई पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीनाक्षी लेखी। सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर
इंडिया एलुमनाई पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्र छात्राओं से पुनः संपर्क बनाया जाएगा और स्थानीय संसाधन प्रबंधन या स्थानीय संपर्क अधिकारी के रूप में जोड़ा जा सकेगा। यह पोर्टल विदेशी छात्र छात्राओं को भारत द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति की पहुंच को व्यापक बनाने में मदद करेगा। टॉप 5 पोर्टल करेंट अफेयर्स रिवीजन। दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद को प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है। नागरिकों को बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने एवी सेवा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। कोयला दर्पण पोर्टल को अनिल कुमार ने लॉन्च किया है। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाज दल ने थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 3 पदक जीते हैं। इसके अलावा भारत ने 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते हैं। पदक विजेताओं के नाम, स्वर्ण पदक गोविंद सहानी ने 48 किलोग्राम में, दूसरा अनंत पहला चोपड़े ने 54 किलोग्राम में और सुमित ने 75 किलोग्राम में पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका MK-1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पोखरण राजस्थान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका MK-1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पिनाका MKI एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है। पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 सेकेंड में 12 मिसाइल लॉन्च करती है, यानी करीब हर सेकेंड में 4 सेकेंड में एक फायर कर देती है। DRDO के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को DRDO ने विकसित किया है। DRDO की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को DRDO ने लॉन्च किया है। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया। यह ऐप नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक का आयोजन पक्के बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक राष्ट्रीय दिल्ली से बाहर हुई है। इस बैठक में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने टाइगर रिजर्व के लिए वन फायरिंग ऑडिट प्रोटोकॉल जारी किया है, जो टाइगर रिजर्व प्रबंधकों को उनके पूरे जीवन चक्र में आग की तैयारी और जंगल में की आग के प्रबंधन का आकाल करने में सहायता करेगा। पिछले टॉप सम्मेलन करंट अफेयर्स रिवीजन। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को पीयूष गोयल ने संबोधित किया है। G7 कृषि मंत्रियों की आवासीय सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी देश करेगा।
विश्व आर्थिक मंच के दावेदार एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से चिंता नरेंद्र मोदी ने की है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत की तरफ से अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इसका परियोजना का निर्माण गुजरात के बनासकंठा जिले में किया गया है और यह भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुछ दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ। पाकिस्तान संसद में इमरान खान के खिलाफ पेश किए गए अविश्वसनीय प्रस्ताव के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान का स्थान लेंगे। पाकिस्तान के बारे में जानकारी, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्लवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों से सीमा लगाता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक चक्र 1 में गुजरात के बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग बनाना है, जो निम्न है: बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच वहनीय तथा विश्वसनीय, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ पर्यावरण। नई पहले शामिल हैं बड़े राज्य, टॉप 3 बड़े राज्य गुजरात पहले पर, दूसरे पर केरल, तीसरे पर पंजाब। छोटे राज्य पहले पे गोवा, दूसरे पर त्रिपुरा, तीसरे पर मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स लेकलर। फेरारी कार के ड्राइवर चार्ल्स लेकलर ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 अप्रैल। हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उस देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो एक गर्भवती महिला को बच्चे के जन्म से पहले, उसके दौरान और बाद में चाहिए। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीलमणि फुकन। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा ने वर्ष 2021 के लिए असमीय कवि नीलमणि फुकन को भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। नीलमणि फुकन मनुमोनी राइजोन गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम के ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। वहीं वर्ष 2022 के लिए उपन्यासकार दामोदर दत्त मौजे को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने पहला
भारत का स्वदेशी पॉलीसेट्रिक कृत्रिम घुटना कदम विकसित किया, जिसका लक्ष्य घुटने के ऊपरी विकलांग लोगों को बेहतरीन जिंदगी देना है। कदम नामक यह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट घुटने के ऊपर प्रोथेसिस के लिए पॉलीसेट्रिक घुटना है, जिसका विकास सोसाइटी फॉर बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने करने के लिए एक्सपेंडिंग हार्ट रिसीलियंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद। प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद नामक एक गैर लाभकारी संस्था ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रिसीलियंस रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में पश्चिम और भारत मध्य भारत के बड़े हिस्से में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से देश के अधिकतम शहर लू की चपेट में। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश और केरल में अत्यधिक तापमान दर्ज किया गया है। इन राज्यों में गर्मी लहर में कोई इतिहास नहीं है। नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। यह इस पुरस्कार का पहला संस्करण होगा। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना लता मंगेशकर के सम्मान और उनकी स्मृति में की गई है। यह पुरस्कार हर साल केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा जिसे राष्ट्र, समाज और उनके लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करण महारा। करण महारा उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। करण महारा गणेश गोदियाल का स्थान लेंगे। टॉप नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिवीजन, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सैनी बने हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा बने हैं। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर बने हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवत मान बने हैं। गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष रमेश तवाड़कर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चाइल्ड फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वानंद सोनेवाल। केंद्रीय आयुष मंत्री और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने नई दिल्ली में आयोजित होम्योपैथी पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन होम्योपैथी के क्षेत्र में उपलब्धियों की समीक्षा करने और होम्योपैथी के विकास के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने का एक अवसर प्रदान करेगा। इस सम्मेलन में होम्योपैथी के अनुसंधानकर्ता, अंतःविषय धाराओं के वैज्ञानिक, चिकित्सक, छात्र, उद्योगपति सहित विभिन्न होम्योपैथी संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलकर करेंगे। इस टूर्नामेंट में आईसीसी ने पहली बार 20 टीमों के भाग लेने की योजना बनाई है, जबकि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। पिछले टॉप खेल आयोजित स्थान, करंट अफेयर्स रिवीजन, केरल राज्य पहली बार विश्व विदर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, यह 2023 में होगी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन एंटीगुआ वेस्ट इंडीज में होगा। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह उड़ान परीक्षण हेल के एक उन्नत हेल के हेलीकॉप्टर से राजस्थान से
पोखरण रेगिस्तान रेंज में किया गया है। हेलिना दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। हेलिना मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुष वर्ग के पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर पुरुष ऑफ द मंथ दिया गया है। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की राचेल एंस को मार्च 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर मंथ ऑफ द चुना गया है। आईसीसी उन पुरुष और महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है जिन्होंने किसी विशेष महीने के अंतर्गत क्रिकेट के सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 अप्रैल। हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने प्रारंभिक सूची में 16 खेलों को राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए चुना है, जिनमें जलीय विज्ञान, साइकिलिंग चलाना और T20 क्रिकेट शामिल है। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बार्गम में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रयू मैकडोनल्ड्स। एंड्रयू मैकडोनल्ड्स ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। एंड्रयू मैकडोनल्ड्स जस्टिन लेंगर का स्थान लेंगे। पिछली टॉप नियुक्तियां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो बने हैं। पॉल कॉलिंगवुड इंग्लैंड देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच होंगे। बारबाडोस के मुख्य उच्चायुक्त एस बालचंद्रन बने हैं। एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह बने हैं। भारतीय मूल के अतुल केशव पति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर Mk-3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय तटरक्षक बल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mk-3 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ट्विन इंजन वाले Mk-3 की रेंज 660 किलोमीटर है और इसमें अत्याधुनिक सेंसर लगे हैं। भारतीय तट पर समुद्री आतंकी हमले, अपहरण, तस्करी और अवैध शिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए इन हेलीकॉप्टर को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक VS पठानिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा। जर्मनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने भारत को राष्ट्रीय डेल्फिक खेल 2023 की मेजबानी के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अटलांटा जॉर्जिया।
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जॉर्जिया का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ष 2021 में 75.7 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। इस रिपोर्ट में शीर्ष हवाई अड्डे 8 संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि 2 चीन में है। इन हवाई अड्डों को दुनिया भर के हवाई अड्डों से 2021 के वैश्विक डेटा के प्रारंभिक संचालन के आधार पर रैंक किया गया है। इसमें यात्री यातायात, कार्गो वॉल्यूम और विमान की आवाजाही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द 2021 के रूप में चुना है। अब दूसरा भारतीय शहर जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है, पहला शहर हैदराबाद था जिसे लगातार 2 साल से यह खिताब जीता था। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के तहत विश्व के उन शहरों को चुना जाता है जो अर्बन फॉरेस्ट, शहरी वन और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डोनियर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है, इसका निर्माण किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डोनियर 228 ने असम के डिब्रूगढ़ में अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट रूट पर अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। इस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। यह विमान पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। यह विमान 17 यात्रियों को ले जा सकता है। इस विमान का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण, हवाई सर्वेक्षण, संदूर संवेदन के लिए किया जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसके चेयरमैन आर माधवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाल्गुनी नायर। सौंदर्य प्रसाधन की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनी नायका की संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी नायर को वर्ष 2021 के लिए ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। टॉप पुरस्कार करंट अफेयर्स रिवीजन पाकिस्तान ने बिल गेट्स को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है। उजारा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार योहान पुनावाला को मिला है। नीरज चोपड़ा भारतीय खिलाड़ी को परम विश्व सेवा मेडल और पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के G20 के नए मुख्य समन्वयक बने हैं। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत में अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा। G20 के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 या 19 देश और एक यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। G20 का हिस्सा भारत है। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। 16वां G20 सम्मेलन इटली में होगा। 17वां इंडोनेशिया में होगा। 18वां भारत में होगा। टॉप नियुक्तियां करेंट अफेयर्स रिविजन, भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष विशाल विश्वास पटेल बने हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निर्देशक विकास कुमार बने हैं। गोवा के नए पुलिस महानिर्देशक जसपाल सिंह बने हैं। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक डॉक्टर एस राजू बने हैं। वन अनुसंधान संरक्षण की नई निर्देशक रेणु सिंह बनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13 अप्रैल। भारतीय सेना द्वारा हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। यह दिन ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जहां पर भारतीय सेना ने 1984 में आज के दिन ही ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान के मसूबों को बर्बाद कर दिया था। हियर योर सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेम रावत। हियर योर सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक प्रेम रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर प्रज्ञानानंद। आर प्रज्ञानानंद ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए इस फाइनल में आर प्रज्ञानंद ने GM डी गुवेस को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जी किशन रेड्डी। केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने दुनिया में भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के कार्यक्रम और त्योहारों के विभिन्न पहलुओं, तिथियों और विवरण को दिखाना है। पिछले टॉप पोर्टल का रिवीजन हरियाणा राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल को अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी आधारित पोर्टल को लॉन्च किया है। अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर NV रमना ने लॉन्च किया है। लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों का दर्शन कराने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेह लद्दाख। सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह में जिले में किया गया है। इस सामुदायिक संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और आगे ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोगी कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इन लोगों को यह सम्मान कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने और इससे पीड़ित लोगों की देखभाल करने के प्रयास के लिए दिया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 से एम्बर ब्रेकन को सम्मानित किया जाएगा। सत्यपाल मलिक को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से प्रदान किया जाएगा। प्रतिष्ठित ONDC पुरस्कार 2022 अमर मिश्रा को ने जीता है। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नीलमणि फूकन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संसद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियामक के साथ हुई थी।
पिछली टॉप नियुक्तियां करेंट अफेयर्स रिवीजन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ बने हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष विजय पाल शर्मा बने हैं, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक है श्री निवास मूर्ति बने हैं, भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संसाधन के महानिदेशक मुख्य अधिकारी प्रवीण कुमार बने हैं, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष रघुवेंद्र तनवर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामना ब्रांड लायन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली हेवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लायन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हेवेल्स इंडिया की स्थापना 1998 में हुई थी, इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पिछले ब्रांड एम्बेसडर करेंट अफेयर्स रिविजन स्पोर्ट क्लोदिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ए फार्मा इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। D2H ब्रांड डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पेट स्ट्यूटसम शहर में आयोजित महिला हॉकी विश्व कप 2021 के फाइनल में जर्मनी को 3-1 से हराकर चौथी बार FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है। वहीं भारत FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 में चौथे स्थान पर रहा है। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 वर्ष 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह 2022 में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जमशेदपुर झारखंड। भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर झारखंड में आयोजित की जाएगी। यह टूर्नामेंट विश्व तीरंदाजी नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा, जो रिकवर और कंपाउंड स्पर्धाओं में सीनियर जूनियर और कैडेट श्रेणियों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चगास रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 अप्रैल। चगास रोग की रोकथाम और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। चगास एक संक्रमण रोग है जो ट्रियोटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से होता है। यह प्रश्न आपके लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।